हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुदर्शन किड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि छोटे बच्चों को स्टेप बाय स्टेप टाइम देखना कैसे सिखाएं। तो जब आप बच्चे को टाइम सिखाते हैं स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आवर्स को लेके, मिनट्स को लेके। तो सारी चीजें एक साथ ना बता के हमें उसका जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जैसे एक बार में पहले उसको आवर्स के बारे में बताया जाए, उसके बाद में फिर मिनट्स देखना सिखाया जाए, तो ऐसे बच्चा इजीली घड़ी देखना सीख सकता है। तो जब आप बच्चे को टाइम सिखाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए। अब इसके लिए आप रियल क्लॉक ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें सेकंड की भी सुई होती है, तो बच्चा कंफ्यूज होगा। इसके लिए आप एक घड़ी घर पर भी बना सकते हैं, जिससे आप बच्चे को घड़ी की सुइयों को एडजस्ट करके टाइम समझा सकते हैं। तो ये एक घड़ी है जो मैंने अपने बच्चे को टाइम सिखाने के लिए बनाई हुई है घर में। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। अगर आप भी ये घड़ी बनाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को देख के इजीली बना सकते हैं। तो इसमें मैंने एक वेस्ट सीडी को यूज किया है और ये पॉप्सिकल्स हैं। इससे मैंने आर हैंड और मिनट हैंड बनाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ग्रेड वन के बच्चों के लिए, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स भी शेयर की हैं, जो बच्चे को ये टॉपिक समझाने के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे को क्लॉक का स्ट्रक्चर बताएंगे कि क्लॉक में क्या क्या चीजें होती हैं और उनका क्या यूज है। क्लॉक में 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं, जो क्लॉक के फेस पर होते हैं, और क्लॉक के साथ में 2 हैंड्स होते हैं। जो शॉर्ट हैंड है, इसे हम आर हैंड भी बोलते हैं। द शॉर्ट हैंड टेल्स द टाइम इन आवर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आवर हैंड। सेकेंड इज द लॉन्ग हैंड, जो लंबा वाला हाथ है, इसे मिनट हैंड भी बोलते हैं। द लॉन्ग हैंड टेल्स द टाइम इन मिनट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनट हैंड। सो दीज हैंड टर्न्स एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ये जो हैंड्स हैं ये टर्न होते हैं। द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट इन एन आवर, while the minute hand completes a full round of the face in that hour। तो इस तरह से हम उसको ये आवर हैंड और मिनट हैंड समझा सकते हैं। When the minute hand is at 12, the hour hand tells us the time of the day। जैसे हम इस क्लॉक पे देखते हैं, द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट हैंड है वो 12 पर है, और जो आवर हैंड है दैट इज एट 1, सो द टाइम इज 1 o'clock। अब जैसे इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर आवर हैंड है 5 पे और मिनट हैंड है 12 पे, तो टाइम विल बी 5 o'clock। हम ये सिंबल यूज करते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए। जो आगे वाला पार्ट है इसमें, वो आवर को शो करेगा। जैसे कि अगर 3 बजे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और जो पीछे वाला है वो शो करता है मिनट्स को। तो आप बच्चे को बताएंगे कि जब भी घड़ी की सुई 12 पे होगी, तो यहाँ पे मिनट्स 00 को शो करना होगा। ये तो था स्मॉल डिस्क्रिप्शन, जिससे आप बच्चे को स्टार्ट करेंगे। बट बच्चे के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और ये प्रैक्टिस आप कैसे करवाएंगे बच्चे को, वर्कशीट्स के थ्रू। तो इसमें मैंने कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं, जो आप बच्चे को इजीली करवा सकते हैं। यहाँ पर शो द आवर हैंड, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, कुछ घड़ी की इमेज बना रखी है, और उसमें मैंने नीचे टाइम शो किया हुआ है। बड़ी वाली नीडल, मतलब जो मिनट हैंड है, उसको ही सिर्फ शो किया हुआ है। बच्चे को टाइम शो करने के लिए जो आर हैंड है उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर बच्चे को शो करना है 3 o'clock। जो लॉन्ग हैंड है वो ऑलरेडी 12 पर है, तो 3 o'clock के लिए उसको शॉर्ट हैंड जो है वो ड्रॉ करना होगा। तो वो इस तरीके से ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट है 7 o'clock, 7 o'clock के लिए इस तरीके। तो ये थी पहली वर्कशीट, जिसमें सिर्फ बच्चा जो आर हैंड है उसको ड्रॉ करना सीखेगा। मिनट हैंड अप ऑलरेडी करके देंगे। इन माई नेक्स्ट शीट, इन द गिवन क्लॉक्स वन हैंड इज मिसिंग, मेक हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। अब यहाँ पर
मिला जुला है, मीन्स किसी में जो मिनट हैंड है वो नहीं है, किसी में आवर हैंड है वो नहीं है। तो बच्चे को देखना है टाइम के अकॉर्डिंग और फिर उसको ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पर 2 o'clock हो रहा है तो जो शॉर्ट हैंड है वो ऑलरेडी ड्रॉ है, बट जो मिनट हैंड है या जो लॉन्ग हैंड है वो बच्चे को ड्रॉ करना है। तो 2 o'clock के लिए यहाँ पर चेक किया, दिस इज 0 0, मीन्स जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पर। इसी तरह से यहाँ 5 o'clock, 5 o'clock के लिए 12 पर जो लॉन्ग हैंड है वो है, उसे आवर हैंड कहाँ पे लेना होगा, 5 पे। एक्टिविटी 3, राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। क्लॉक में जो टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम लिखना है। ये मैंने दोनों फॉर्मेट में दिया हुआ है, बच्चों को दोनों ही फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पर है सबसे पहले 9 o'clock, तो बच्चा यहाँ पर आवर हैंड देखेगा वो है 9 पे, तो टाइम विल बी 9 o'clock। और इसको किस तरह से मेंशन करेंगे, छोटी वाली नीडल के लिए यहाँ पे यानी आवर हैंड का हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 9, और जो बड़ी वाली है वो है 12 पर, 12 पर है, इट मींस यहाँ पर हम 0 0 मेंशन करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 6 o'clock एंड 6 0 0, तो इस तरह से बच्चे को आप ये घड़ी बना के देंगे और बच्चा इनमें वो फिल करेगा। नेक्स्ट है, draw the hour hand and the minute hand on the following clock faces to show the time. अब यहाँ पर time लिखा हुआ है, इसमें बच्चे को दोनों draw करनी है, क्योंकि इन जो पहले वाली worksheet है इनको करने के बाद में बच्चे को hour hand minute hand कैसे draw करना है वो अच्छे से सीख चुका है। तो अब बस उसे time देखना है और time के according उसको draw करना है। तो 8 o'clock है, तो long hand is at 12 और short hand will be at 8. 4 o'clock पे शॉर्ट हैंड 4 पे और लॉन्ग हैंड 12 पे। तो इस तरह से बच्चे को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैच द क्लॉक्स विद सेम टाइम। अब इसमें मैंने घड़ियां ड्रॉ की हुई हैं और उनमें भी जिस घड़ी का टाइम सेम है उसको बच्चे को मैच करना है। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए आप जैसे 3 o'clock 9 o'clock एक जैसा लगता है आप इस तरह से ड्रॉ करके दे सकते हैं, जैसे 1 o'clock 11 o'clock सेम लगता है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट वाली ये है 3 o'clock पे और यहाँ पर ये है 3 o'clock पे, तो इसको इससे मैच कर दें। इसी तरह से बाकी उसको और भी कर दें। ये थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटी है बट है वही बच्चे को क्लॉक सिखाने के लिए, तो आप अच्छे से वो चीज बच्चे के दिमाग में आप डाल रहे हो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। अब जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज टिक द करेक्ट टाइम द क्लॉक इज शोइंग। यहाँ पर बच्चे को घड़ी में टाइम शो करके दिया हुआ है और सामने दो ऑप्शन हैं बच्चे को, जो राइट है वो उसको टिक करना है। जैसे यहाँ पर 1 o'clock और 11 o'clock, सो आंसर इज 1 o'clock। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक क्लॉक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन वर्कशीट्स के थ्रू अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रखिए। सबसे पहले आप एक ये क्लॉक बनवाइए बच्चे के साथ में बैठ के, बच्चे को इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड टाइम आप बच्चे को क्लॉक के जो पार्ट्स हैं उसके उसको डिस्क्राइब करिए अच्छे से। एंड थर्ड वन इज वर्कशीट्स। जब आप वर्कशीट्स कराते हैं तो बच्चे को ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब वो ये समझ जाएगा कि कब 4 बजते हैं 5 बजते हैं तो कैसे कैसे क्लॉक की जो हैंड्स हम इंडिकेट करते हैं, जब वो ये समझ जाएगा तो फिर आप उसको मिनट्स के बारे में बताना स्टार्ट कीजिए, बट वो जल्दी नहीं, धीरे धीरे, अदरवाइज बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सुदर्शन किड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।